घर में ही कुछ मज़ेदार, कुछ स्पाइसी और कुछ इंटरेस्टिंग खाना हो तो एक बार काले चने की इस रेसिपी को बना के देखिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पे, जहाँ पर अगेन आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही लजीज रेसिपी। शेयर करेंगे आपके साथ काले चने की सब्जी की रेसिपी, जो बनाने बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने काले चने लिए हैं, जिन्हें हमने रात भर पानी में भिगो दिया था, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से भीग कर तैयार हैं। और बस यहाँ पे हमने लिए हैं 3 कटोरी भीगे हुए काले चने, ले रहे हैं इन्हें एक प्रेशर कुकर में, और साथ में यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं पूरा 3.5 कटोरी, यानी 3 कटोरी से ऊपर आधी कटोरी पानी हमने यहाँ पे ऐड करा है। अभी ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बस हमारे सारे ही ये चने अच्छे से पानी में डूब जाए, उससे हल्का सा ऊपर ही पानी रहना चाहिए। और यहाँ पे नमक भी अभी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे बस अभी हमने ऐड करा है 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद नमक, 1/2 टेबल स्पून ही यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं काला नमक, 1/4 टेबल स्पून ऐड करेंगे यहाँ पे हम हल्दी, और इसके साथ ही यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं थोड़े से खड़े मसाले, 1 साबुत काली मिर्च, यहाँ पे हमने दालचीनी ली है 1 स्टिक, साथ में ही यहाँ पे हमने लिया है 1 तेज़पात का पत्ता। बस प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और बस करीब 5 विसिल लेंगे हाई फ्लेम पर, 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसे कुक होने देना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। और फ्रेंड्स, इसे 5 विसिल आ गई थी हाई फ्लेम पर, और करीब 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसे स्लो फ्लेम पर कुक होने दिया था। और बस जब कुकर का प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो कुकर का ढक्कन खोलेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारे चने बॉयल हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और बस हमारे जो बॉयल चने हैं उनमें से करीब 2 करछी भर के हम यहाँ पे चने ले रहे हैं, हमने छन्नी में लिए हैं, जिससे कि जो भी सारा चनों का पानी है वो कुकर में ही रहे। और इन चनों को हम थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे, और जो भी खड़े मसाले हैं उन्हें भी हमने निकाल के अलग कर देना है। और बस हमने सारे बचे हुए चनों को अलग बर्तन में निकाल लिया है, और गैस पे अगेन हमने सेम कुकर को चढ़ा लिया है। आप चाहें तो किसी और पैन में भी इसे बना सकते हैं। डालेंगे यहाँ पे तेल, करीब 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल हमने यहाँ पे डाला है, आप जो भी वेजिटेबल ऑयल खाना पसंद करते हो उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तेल को बिल्कुल अच्छे से हमने कर लेना है गरम, और जब हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गरम हो जाएगा 1 चम्मच यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम जीरा, जीरे को बिल्कुल अच्छे से हमें चटकने देना है। और साथ में यहाँ पे अब ऐड करेंगे, गैस को स्लो फ्लेम पे करते हुए यहाँ पे हम बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज को ऐड करने जा रहे हैं। हमने 2 प्याज ली हैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की, उन्हें बिल्कुल हमने बारीक चॉप कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही प्याज को यहाँ पे हमने ऐड कर देना है, और स्लो फ्लेम पर इन्हें भूनते हुए हमने गोल्डन पिंक कर लेना है। और जब हमारी प्याज अच्छी गोल्डन पिंक हो जाएंगी तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम ऐड करेंगे 1 चम्मच करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसे भी हमने अच्छे से भून लेना है प्याज के साथ। प्याज को हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारे थोड़े से सूखे मसाले, 1/4 चम्मच ऐड करा है हींग, साथ में यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे लाल मिर्च। एक बार हल्दी और लाल मिर्च को हमने सोटे कर लेना है प्याज के साथ, और उसके बाद ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारे और मसाले। तो यहाँ पे हमने हल्दी और मिर्च को अच्छे से भून लिया है प्याज के साथ ही, और बस यहाँ पे अब ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच करीब सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सौंफ पाउडर का इस सब्ज़ी में। 2 चम्मच भर के करीब यहाँ पे हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच करीब यहाँ पे हम डालने जा रहे हैं किचन किंग पाउडर, और साथ में ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच करीब भुने हुए जीरे का पाउडर, और साथ में यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच करीब काली मिर्च का पाउडर। और बस इन सभी मसालों को बिल्कुल अच्छे से हमने भून लेना है, जब तक कि सारे ही मसाले में से अच्छे से तेल अलग नहीं हो जाता। गैस हमारी स्लो फ्लेम पर ही है, स्लो फ्लेम पर ही हम सारे ही मसाले को अच्छे से भूनेंगे, और जैसे ही इसमें से तेल अलग हमें नज़र आएगा यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 कटोरी करीब दरदरा पिसा हुआ टमाटर। यहाँ पे हमने टमाटर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, और उन्हें हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया है, आप चाहें तो बिल्कुल बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से भी टमाटर को हमने भून लेना है, और बस जैसा कि आप देख सकते हैं इस मसाले को भी हमने बिल्कुल अच्छे से भून के तैयार कर लिया है। टमाटर भी बिल्कुल अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं हमारे चने, जो हमने थोड़े से दरदरे ग्राइंड करके रख लिए हैं। हमने आपसे कहा था कि हमने 2 करछी चनों को अलग निकाल लिया है, उन्हें यहाँ पे ऐड कर देंगे, इससे हमारा मसाला बहुत ही अच्छा गाढ़ा बनेगा और काफ़ी स्वादिष्ट भी लगेगा। तो बस सारे ही चनों को यहाँ पे ऐड करके बिल्कुल अच्छे से हमने चला लिया है इन्हें भी करीब 1 मिनट के लिए, और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे हमारे सारा ही चने जो हमने कुकर में से निकाल के रख दिए थे, उसके पानी के साथ ही यहाँ पे हमने
सारे ही चने ऐड कर देने हैं। इस लेवल पे आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है ग्रेवी कम है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको ग्रेवी परफेक्ट लगती है तो यहाँ पे बस अब हम ऐड करेंगे आधी चम्मच करीब सफ़ेद नमक। नमक एक बार आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी सफ़ेद नमक को काला नमक ऐड किया था, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे नमक ऐड करना है। एक चाय चम्मच ऐड किया है हमने गरम मसाला, और एक बार और हमने कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और बस एक विसल लेनी है हमने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर। आप चाहें तो इसे ऐसे ही कवर करके 5 मिनट के लिए बॉईल कर सकते हैं, लेकिन एक विसल लेने से सारे ही जो हमारे चने हैं अच्छे से सारा मसाला एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी हमारी बनकर तैयार होगी। यहाँ पे हमने एक विसल आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और जब हमारा ये प्रेशर रिलीज हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे कुकर का ढक्कन खोलेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे काले चने की सब्जी बनकर बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली तैयार है। और बस यहाँ पे गार्निशिंग के लिए ऐड कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस रेसिपी में हमने यहाँ पे ऊपर से भी लगाया है तड़का, ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तड़का लगाने के लिए करीब हमने 2 से 3 चम्मच लिया है सरसों का तेल, अच्छे से गर्म करके और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद यहाँ पे बस हमने ऐड करा है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, और हमने यहाँ पे करीब आधी चम्मच डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, और बस इस तड़के को डाल देंगे हमारे चनों के ऊपर। और बस मज़ेदार से हमारे काले चने की सब्जी बनकर सर्विंग के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं देखने में ही कितनी टेम्पटिंग लग रही है। इसे आप रोटी के साथ या पराठों के साथ, पूरियों के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम कभी भी चाय बना सकते हैं, लंच बॉक्स में भी पैक करके आप इन्हें इसलिए दे सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ, बहुत अच्छे स्वाद के साथ हमारी सब्जी बनकर सर्विंग के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स एक बार आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा, अगली बार काले चने बनाए तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और हमारे साथ शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।